इस वक्त हम मौजूद है इसके आईसीसी के बाहर, जहां आज उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार ओथ जो है ली जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। इससे पहले अगर हम बात करें 2009 में इलेक्शन जीते थे और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने थे उमर अब्दुल्ला, और 2009 से 2015 तक जो है गद्दी संभाली थी, और आज जो है 10 साल बाद असेंबली इंतखाबात हुए थे और जो रिजल्ट्स आए थे वो एनसी के हक में आए थे, और उन्होंने जो है उमर अब्दुल्ला को इस बार दूसरी बार जो है सहरा बांधा। इसी बीच जो 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनके नाम जो है वो बताए गए है, जिनमें सतीश शर्मा, सकीना यातो, जावेद डार, सुरेंद्र चौधरी और जावेद राणा जो है, ये 5 कैबिनेट मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है इन्होंने एक साथ जो है आज ओथ सेरेमनी में हिस्सा लिया। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी जो सुरेंद्र कुमार चौधरी है नौशहरा से हराया था बीजेपी के लीडर रविंद्र राणा को, और आज जो है कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में बात करें हम सीनियर लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, वो भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी जो है अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया आज उमर अब्दुल्ला को। और साथ ही में अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ आप पहुंचे थे। बात करें हम उत्तर प्रदेश के फॉर्मल चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, वो भी यहाँ पहुंचे थे, और आप मेरे पीछे जो है इस वक्त देख सकते हैं जो भी एनसी के सपोर्टर्स है वो यहाँ पर आकर जो है अपने जो पार्टी है उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है कई सालों बाद अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का जो मौका मिला लोगों को, भारी तादाद में वोटिंग हुई, वोटर्स टर्न आउट जो है जगह जगह पे बहुत अच्छा हुआ, अपने एमएलएज जो है चूज किए। और सुबह से ही हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे जितने भी एमएलएज है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, बात करें हम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडर है महबूबा मुफ्ती, वो भी यहाँ पहुंची थी, बाकी सारे लीडर्स जो है वो यहाँ आकर उमर अब्दुल्ला की ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले थे। और इस वक्त मैं आपको विजुअल जो है लाइव दिखाना चाहूंगी, इसकी बार से ओथ सेरेमनी जो है खत्म हो चुकी है और लीडर जो है वो बाहर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई लीडर जो है हम उस तक पहुंचे और उनसे भी जो है थोड़ी सी बातचीत करें। फिलहाल मैं आपको जो है लाइव इस वक्त दिखा रही हूँ इसके आईसीसी श्रीनगर के बाहर से। फिलहाल आप देख रहे हैं डेली उकाब, दीजिए अपनी मेजबान फजर बिलाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।